सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, यूपी टीईटी एडमिट कार्ड 2019 रिलीज हो चुके हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है यूपी टीईटी एडमिट कार्ड 2019 का, जो एडमिट कार्ड आपका है कैसे आप डाउनलोड करेंगे, और 22 दिसंबर 2019 को आपका ये एग्ज़ाम होगा, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको जो वेबसाइट है ऐसे टाइम पर खोलनी है जब इस पर लोड कम हो, यानी कि ट्रैफिक कम हो, इस पर जब बहुत कम लोग वेबसाइट को खोल रहे हों, ऐसे टाइम पर आपको वेबसाइट को खोलना है, और तभी जाके आपका वेबसाइट खुलेगा और तभी जाके आपकी जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें ओटीपी का भी, आपका जो ओटीपी का कुछ इशू है ओटीपी का भी, वो भी आपका सॉल्व कैसे आपको करना है वो भी बता देता हूँ। ओटीपी दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपका आएगा, और जो आपका रजिस्टर्ड करते वक्त आपका जो मोबाइल नंबर आपने इसमें दिया है उसी मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा, और जो ओटीपी वाला इशू है इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश टीईटी एडमिट कार्ड 2019 का। तो दोस्तों, इसी तरह यूपी टीईटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।